फ्रेंड्स, मैंने बना दिया चाय। दोनों बच्चे खेल रहे हैं। रास्ते में बारिश आ गई, सब लोग भीग गए थोड़ा थोड़ा। कपड़े बदल लिए सब लोग। अब चलते हैं, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। दो कटोरी मुही का और डैडी बाबूजी और ये मेरा। चलते हैं, फाइनली रेडी हो गया हमारा चाय। चलो बच्चों, चाय पी लो फटाफट। हाँ, दादाजी को भी देंगे चाय, सबको देंगे चाय। यार छन्नी कहाँ गया चाय? छन्नी ये मैंने बनाया है अमूल मिल्क से, क्योंकि जो दूध रहता है ना घर में पीने वाला, बच्चों के पीने वाला और बाबूजी के पीने वाला, वो दूध खत्म हो गया है। जाऊंगी अभी दूध लेके आऊंगी। और ये अमूल मिल्क ले आए अलग से चाय के पर्पज से, ताकि सब लोग चाय पी ले। दोनों बच्चे यहाँ झगड़ा कर रहे हैं सब आपस में। हाँ, लड़ लो दोनों तुम लोग, ठीक है? जो बहादुर होगा वो जीत जाएगा। बाप रे बाप, बहुत गर्म है, बहुत गर्म, बहुत गर्म है। इसमें छन्नी छना नहीं पाएगा, ये भी बहुत गर्म है। दोनों बच्चे ना खूब मगन है, खूब खुश हो गए हैं सब। इतना ज्यादा खुशी का ठिकाना नहीं है बच्चों के। बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं है। चलो यार, मेरा हिस्सा इसमें। बहुत गर्म, बहुत गर्म है, थोड़ा सा गिर गया। ए बच्चों, ये ले चलो, मोही आ जल्दी आ। ये पाजी नीचे, हाँ बैठे, चाय ला रहे हैं। बारिश में भीग गया बीरू का सिर। सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत पतला पतला आम का पत्ता निकला हुआ है। अभी इसमें ना मैंने 8-10 आम की गुठली डाली है और सिर्फ 2 पौधे निकले हैं। इनको कहीं शिफ्ट करूंगी किसी दूसरे जगह पे, ताकि ये बड़े हो सके। और इसमें भी मैंने गुठली दबाया है 4-5, इसमें भी मैंने 2-3 दबाया है, इसमें भी 4-5 दबाया, लेकिन अभी तक कोई गुठली का इतना पत्ता नहीं है। इसमें भी मैंने 4-5 दबाया है, सब में मैंने गुठली दबा दिया है, लेकिन कहीं इतना पत्ता नहीं है, बस 2 ही दिखा है। 100% गुठलियों में से पौधे नहीं आते हैं, इतना तो मैंने रीड किया, क्योंकि अभी एक गुठली इधर दिख रही है, एक गुठली इधर दिख रही है। मैं भी देखती हूँ, धीरे धीरे रेमना धीरज में सब हुए। ये है तीसरी गुठली, कुछ तो नीचे ही होगा। अभी मैं इसको बीरू के हाथ पे ले जाऊंगा, मैंने बताया था ना, ताकि हाथ पे ना लगे। 3-2-1 तक वे दूंदर दिमाग पे पुष्टा का मैं ढूंढर मैं पुष्टा। कितनी ज्यादा देर तक घूमा है, अब मेरी करो फ्रेंड्स। वो भी अपने हाथों में करेगा, मैं हाथों में बहुत लेट हुआ है, मेरी बहुत ज्यादा, और मेरे में गिरा भी नहीं एक भी। मैं गिरिया हो या बंदा चुंदन भी चबली है बोला के सीधा के रखी खींच गिरा ना मत। मैं गिरिया हो या बंदा चुन, मैं हिला भी सकता हूँ, हिला भी सकता है। अरे कितना लेट होएगा रे, वापिस से करूँ एक बार, चलो स्टंट करते हैं, स्टंट कर, मेरे को डर लग रहा है। कर 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 हो या मुंदा चिंदा नीच मैं गिरा हूँ। घंटी हो जाओ, घंटी मम्मी क्या क्या बोलते रहती है, मानो तुम दो को शांति अगर बजावे डांटी तब
आई क्या बात है यार, सब अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कुछ बोलो, रिकॉर्डिंग में कुछ बोलते हैं ना कि देखिए कितना शानदार नचा रहे हैं हाथ पे, वो भी अभी मेरे हाथ पे नचाना, कि हम उल्टा हाथ नचा रहे हैं, क्या आप मेरे हाथ पे नचा, ऐसा प्रूफ तो मैं मानूंगा। हाँ 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 हाँ, और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ अपना, कल का कल मेरा लेट का टेस्ट है, उसमें लोटा लोटा के लेट टेस्ट दे रहा है, हर जगह जगह पे ज्वाइंट ज्वाइंट पे नचा रहा है। मैं दाल चढ़ाई हूँ उस पर, तो एक मोजा लगाई हूँ, नया मोजा, एकदम नया मोजा था जो मैंने खरीद के लाया था स्पेशली दाल चढ़ाने के लिए, ताकि ये टाइल्स मेरा ना गंदा हो। इससे ना मुझे थोड़ा सा काम में आराम मिलता है कि ये टाइल्स मैं बार बार नहीं पोछती हूँ, 24 घंटे में सिर्फ एक बार पोछती हूँ। आजकल फ्रेंड्स पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि हालत ख़राब हो गया है। मैं पानी भर रही हूँ दूध के डिब्बे में और इसको डालूँगी भगोने में। ये आरओ का पानी है, ये भी आरओ का पानी है, ये दो दिन के लिए मैं भर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि दो दिन के लिए ना पानी नहीं आने वाला है, मतलब आज संडे है ना, तो आज पानी आ रहा है शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक, मंडे को नहीं आएगा और ट्यूसडे को भी आएगा तो शाम को 7 बजे। तो ये हाल है, दो दिन पे एक दिन पानी मिल रहा है और वैसे ही गर्मी वैसे ही ज़्यादा है, क्या किया जाए, मजबूरी है, भर के रखना पड़ रहा है। अभी फिल्टर भी पूरा खाली है, यहाँ देखिए यहाँ पूरा खाली है, यहाँ तक पूरा इतना खाली है। अब और बज रहा है 7:45, अगर कहीं पानी चला गया ना तो गया काम से, मतलब कोई हला भला करने वाला कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, जो मैग्नेट होता है उसका दो पोल होता है ना, कौन कौन सा पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट, अगर तुम दो मैग्नेट ले लो, दोनों का पोल तुमको पता है, तो इतना जान लो कि नॉर्थ और नॉर्थ दोनों मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ पोल नहीं चिपकेगा, साउथ साउथ पोल नहीं चिपकेगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल चिपकेगा और साउथ नॉर्थ पोल चिपकेगा, समझ में आया, एक बार ट्राई करके देख लो। समझ लीजिए कि ये मैग्नेट है, ठीक है। हाँ, अब इसका नॉर्थ साइड कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला, चिपका के देखो अगले मैग्नेट से। अगर तुमको ये पता करना है ना कि इस मैग्नेट में कौन सा पोल साउथ है कौन सा पोल नॉर्थ है, तो उस मैग्नेट को पहले एक धागे में लपेटो या फिर उसको धागे से चिपका दो फेविकोल से हल्का सा, धुन सुनो पहले ध्यान से, और उसको हवा में ऐसे लटकाओ ऐसे, ठीक, और उसको धीरे से ऐसे रोल कर दो, चक्कर कटा दो एक बार, उसके से छोड़ दो अपना, उसको रुकने के लिए टाइम दो, और जब टाइम दोगे तो वो धीरे धीरे जब रुक जाएगा एकदम स्टॉप, तो उसको देखना कि दो पोल वो पकड़ेगा साउथ और नॉर्थ, जो उसका टर्न साउथ की ओर होगा तो वो उसका साउथ पोस्चर होगा, और जो उसका टर्न नॉर्थ की ओर होगा वो उसका जो तो नॉर्थ पोस्चर होगा, समझा। तो हर एक मैग्नेट, जितने भी मैग्नेट तुम्हारे पास है, बारी बारी उसको धागे में बांधो और ऐसे लटकाओ। देखो मैथमेटिक्स का एक रूल्स होता है, वो समझो पहले, जो तुम्हारा आगे लिखना है वहाँ पे, ठीक ना, समझो। यहाँ लिखा है 2x इक्वल टू एक्स प्लस 8, ठीक। अभी इसको क्या करना है, यहाँ होगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब ये बता यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो माइनस कैसे आ गया, देखो साइड डिफरेंस करते हैं, साइड डिफरेंस मीन्स होता है पक्षांतर, क्या होता है पक्षांतर, पक्षांतर का मतलब क्या होता है, साइड डिफरेंस, साइड डिफरेंस। तो साइड डिफरेंस का मतलब क्या, ये देखो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, LHS। तुम ये सब बंद करो पहले, मैग्नेट बंद करो पहले, अपना काम करो पहले, मैथमेटिक्स चलो। ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है बोलो, RHS, वेरी गुड, दिमाग में आया तुम्हारे, तो ये क्या है राइट हैंड साइड। तो जब इक्वल टू बीच में हम लोग लगाते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब 2x दिया हुआ है और यहाँ पे x प्लस 8 दिया हुआ है, तो 2x लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस 8 राइट हैंड साइड। अब जो है तो जब हम 2x को लेंगे और माइनस जो है तो इसको क्या करेंगे, x को लेफ्ट साइड में लेंगे, ठीक। अगर राइट को लेफ्ट में लेंगे, चाहे लेफ्ट को राइट में ले चाहे राइट को लेफ्ट मिले, सुनो पहले ध्यान से तब कोई काम करो, हाथ सामने रखो, लेफ्ट को राइट में ले या फिर राइट को लेफ्ट में ले, क्या करेंगे, प्लस का माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई मार्किंग हमको नहीं दिख रहा है तो हम क्या मानेंगे इसको, कि यहाँ पे प्लस है।
लेकिन जब हम इसको रूट चेंज करेंगे, जब इसका जो तो साइड डिफरेंस करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x को हम जस का तस रखते हैं और ये जो x है राइट हैंड साइड पे उसको हम निकाल के यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस है ना, जो हमको दिख नहीं रहा है, वो यहाँ पे हमको दिखने लगेगा कैसे, माइनस के रूप में। साइड डिफरेंस करने पर प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है, डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है, समझा, ये दिमाग में बिठा लो, ये मैथमेटिक्स का रूल्स है। ओके चलो हमको समझाओ साइड डिफरेंस पे क्या होता है। साइड डिफरेंस जब करते हैं, जब पक्षांतर करते हैं, तो प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस का कोई मार्क नहीं होता, प्लस का माइनस होता है। हाँ, प्लस का माइनस। माइनस का क्या होता है, माइनस का प्लस होता है। मल्टीप्लाई का क्या होता है, मल्टीप्लाई का माइनस होता है। डिवीजन होता है, बोलो तेज़ से, डिवीजन होता है। डिवीजन का क्या होता है, डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है। तो इतना कान खोल के सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो, क्या प्लस का माइनस होता है, माइनस, एक मिनट शॉर्ट में बोलो, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन का मल्टीप्लाई। यस, याद रहेगा ना जिंदगी भर। ठीक, आगे बढ़ो। तो यहाँ हो गया, सॉरी, 2x - x = 8। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा 1 ऑलरेडी है, क्योंकि जो हमारा एलजेब्रा है ना, वो ऐसे ही चलता है, ये एलजेब्रा जैसे, जस्ट लाइक सपोज दैट एलजेब्रा। तो हमारा क्या होगा, 2 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो फिर बचेगा 1x = 8, या फिर x = 8, और ये अदृश्य हो जाएगा यहाँ का। ठीक, तो जब यहाँ पे ये हो गया, तो x का मान कितना आ रहा है, 8। x का मान कितना हो जाएगा, 8। शाबाश, चलो सॉल्व।